नमस्ते दोस्तों, टाटा मोटर्स मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस Bs6 ट्रेनिंग मॉड्यूल में। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि कैसे डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर यानी DPF में जमा पार्टिकुलेट मैटर को हटाया जाता है, DPF को पूर्ववत करने की पद्धति को रीजनरेशन कहते हैं। DPF से पार्टिकुलेट मैटर हटाने के लिए रीजनरेशन के तीन प्रकार होते हैं, पैसिव रीजनरेशन, एक्टिव रीजनरेशन और मैनुअल रीजनरेशन। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि मैनुअल रीजनरेशन पद्धति से पार्टिकुलेट मैटर को कैसे हटाया जाता है। DPF में जब एक हद से ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर जमा हो जाता है, तब DPF में मौजूद डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर इसका अनुमान ECU को देता है। तब डैशबोर्ड पे मौजूद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में DPF लैम्प जल उठता है। DPF लैम्प के जलने पर ड्राइवर को पहले गाड़ी को सही और सुरक्षित जगह पे खड़ा करना होता है, फिर डैशबोर्ड पे मौजूद मैनुअल रीजनरेशन स्विच को दबाया जाता है। स्विच दबाने से ECU इंजन सिलेंडर में थोड़ी अधिक मात्रा में डीजल का छिड़काव करता है। इंजन से निकलते गर्म धुएं से DPF में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर जल जाते हैं। DPF के पूर्ववत होते ही DPF लैंप बंद हो जाता है और मैनुअल रीजनरेशन प्रोसेस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि पैसिव और एक्टिव रीजनरेशन स्वचालित रीजनरेशन पद्धति के हैं, जबकि मैनुअल रीजनरेशन में ड्राइवर को डैशबोर्ड पे मौजूद मैनुअल रीजनरेशन स्विच को दबाना होता है, जिससे DPF में पार्टिकुलेट मैटर को जलाया जाता है। इन सभी मॉड्यूल्स को देखने के लिए शुक्रिया।